आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टार्टअप फंडिंग के बारे में, कितने प्रकार की स्टार्टअप फंडिंग होती है, स्टार्टअप फंडिंग क्या होती है। तो इस वीडियो में आपको बहुत सारी कुछ फंडिंग के बारे में सीखने को मिलेगा, क्योंकि जो स्टार्टअप वर्ल्ड है, एंटरप्रेन्योर वर्ल्ड है, फंडिंग वर्ल्ड है, वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। लगभग 2014 से लेकर 2021 तक रजिस्टर किए गए हैं 57,000 स्टार्टअप्स इंडिया के अंदर, और इन्होंने जो फंडिंग रेज करी है वो है 112 बिलियन की फंडिंग रेज करी है। यहाँ पे ये जो फिगर मैं बता रहा हूँ वो यूएसडी डॉलर में, और इनकी वैल्यूएशन अब तक लगभग 450 बिलियन हो चुकी है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और ये दिखाता है कि हमारे जो इंडियंस हैं, जो यंगस्टर हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके अंदर कितना ज़्यादा पोटेंशियल है, कितना ज़्यादा वो नया कर सकते हैं अपनी सोसाइटी को और बेहतर बनाने के लिए। आप लोगों ने यहाँ पे शार्क टैंक एक प्रोग्राम भी देखा होगा, जो कि एक रियलिटी शो था, और मैं बहुत खुश हुआ उस शो को देख के, क्योंकि वहाँ पे अभी जो फिल्में चल रही थी जिनके कि ऊपर रियलिटी बेस्ड पिक्चर्स बनती थी, शोज होते थे, अब वहीं एंटरप्रेन्योर्स के लिए हो रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। तो एंटरप्रेन्योर्स या फिर हमारे जो स्टार्टअप होते हैं वो भी रियल हीरो होते हैं हमारी इस देश के लिए, हमारी दुनिया के लिए, हमारे समाज के लिए, तो हमें भी इसका एक पार्ट होना चाहिए। अब स्टार्टअप फंडिंग होती क्या है? स्टार्टअप फंडिंग को आप बोल सकते हैं वो पैसा जो कि आपको शुरुआत में चाहिए होगा, किसके लिए? अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने के लिए, अपनी मार्केटिंग के लिए, ऑफिस के लिए, टीम हायर करने के लिए, या किसी भी चीज़ के लिए। तो ये आपका एक स्टार्टअप फंडिंग कहलाता है। अब यहाँ पे जो प्रकार की हम लोग बात करें, कितने प्रकार की होती हैं, तो जो सबसे पहले स्टार्टअप फंडिंग है वो होती है हमारी सेल्फ फंडिंग। सेल्फ फंडिंग, इसको हम लोग बूटस्ट्रैपिंग भी बोलते हैं। यहाँ पे सेल्फ फंडिंग का मतलब है कि आप अपने पैसे, आपने जो भी अब तक सेविंग करी हुई है, जो भी आपने बचाया है अपने गुल्लक में, बैंक में, सारा का सारा आप लगा देते हो अपने स्टार्टअप के ऊपर, और आप यहाँ पे किसी से कुछ भी नहीं ले रहे होते हो। तो यहाँ पे तो ये तो सबसे अच्छी बात है अगर आप बूटस्ट्रैप करते हो। इवन जो मेरा स्टार्टअप है डिजिटल शेफअप, बाकी भी स्टार्टअप है, बट जो डिजिटल शेफअप है वो कम्प्लीटली बूटस्ट्रैप्ड है, कम्प्लीटली मेरे ही सेविंग्स के ऊपर चल रहा है। और इस स्टार्टअप में नुकसान यही होता है कि आप अगर स्टार्टअप नहीं चलता है तो आप अपने सारे पैसे लूज कर जाते हो, या जो भी पर्सनल सेविंग्स आप लोगों ने करी है वो सारी की सारी आपकी खत्म हो जाती है और आप रोड के ऊपर आ जाते हो। दूसरी यहाँ पे जो दो फंडिंग होती है वो होती है फ्रेंड एंड फैमिली लीड फंडिंग। फ्रेंड एंड फैमिली का मतलब है कि यहाँ पे आप अपने स्टार्टअप के लिए पैसा लेते हो किससे? अपने फ्रेंड से या फिर अपनी फैमिली से, और इन लोगों को आपके ऊपर भरोसा होता है, बट यही भरोसा बाद में टूट भी जाता है जब आपका स्टार्टअप नहीं चल पाता, या आप उस स्टार्टअप में फेल हो जाते हो, या आप अपना स्टार्टअप बंद कर देते हो। यहाँ पे आप पैसे के बदले में अपने फैमिली मेम्बर्स को या फिर अपने फ्रेंड्स को कुछ इक्विटी दे सकते हैं, या फिर वो आप उनसे लोन भी ले सकते हैं। किस कितने दर पे लेना है, कितने ब्याज पे लेना है, वो सब आप लोगों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। तीसरी यहाँ पे जो फंडिंग आ जाती है वो आ जाती है हमारी इन्वेस्टर लीड फंडिंग, जिसको कि हम लोग सीड फंडिंग भी बोलते हैं। ये जो की जाती है फंडिंग वो हमारे एंजल इन्वेस्टर्स के द्वारा की जाती है। स्पेशली जो सीड फंडिंग होती है वो एंजल इन्वेस्टर्स के द्वारा की जाती है। यहाँ पे जो एंजल्स होते हैं रियल रिस्क टेकर होते हैं, ये इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि आपके आइडियाज़ के ऊपर पैसा लगाते हैं। साथ साथ इनका जो नेटवर्थ होता है, और नेटवर्क होता है, जी हाँ, नेटवर्थ और नेटवर्क दोनों ही बहुत ही बड़ा होता है। इनके बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं, इनके पास पैसा होता है, और इनको आपके आइडिया अच्छा लगता है तो ये आपके आइडिया पे पैसे इन्वेस्ट करते हैं, साथ साथ आपको सपोर्ट भी देते हैं, जैसे कि शार्क टैंक में आप लोगों ने देखा। यहाँ पे जो सीड फंडिंग का सबसे अच्छा उदाहरण वो है हमारा ओला। ओला अगर आप बोलेंगे, ओला एक सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारे यहाँ पे सीड फंडिंग का। इसके बाद जो नेक्स्ट फंडिंग आती है वो आती है हमारी वेंचर कैपिटल फंडिंग। अब जैसे कि पुराने वाले में अगर आपने देखा, जो इन्वेस्टर लीड फंडिंग थी या सीड फंडिंग थी, वहाँ पे इंडिविजुअल लोग होते थे, यहाँ पे ये पूरा नेटवर्क होता है, ग्रुप्स होते हैं जो कि काम करते हैं स्केलेबिलिटी के ऊपर। जहाँ भी उनको एक हाई पोटेंशियल दिखाई देता है, मतलब जहाँ पे भी उनको लगता है कि ये बहुत बड़ा मार्केट हो सकता है, ठीक है, वहाँ पे वो लोग इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ पे वो इक्विटी ले लेते हैं, साथ साथ वो कंट्रोल भी ले लेते हैं। मैं पहले वाले में, जो सीड फंडिंग वाले में, एंजल इन्वेस्टर में, ये बताना भूल गया था कि वो जब आपको वहाँ पे सपोर्ट करते हैं, आपको पैसा देते हैं, आपको नेटवर्क और नेटवर्थ दोनों चीज़ देते हैं, तो वहाँ पे वो कुछ इक्विटी लेते हैं, ठीक है, आपको पैसा मिल जाएगा और वो कुछ इक्विटी आपसे ले लेंगे। बट यहाँ पे जो वेंचर होते हैं वो आपसे कंट्रोल भी लेने की कोशिश करते हैं, साथ साथ आपसे इक्विटी भी लेने की कोशिश करते हैं, बट ये मेनली काम करते हैं स्केलेबिलिटी पे। उनको वो बिजनेस में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है जो कि स्केलेबल हो सकते हैं, जैसे हमारा जोमैटो हो गया या फिर बैजूस हो गया।
इसके बाद जो नेक्स्ट फंडिंग होती है उसको कि हम लोग डेप्थ फंडिंग बोलते हैं या फिर वेंचर डेप्थ बोलते हैं। ये एक प्रकार का लोन होता है और ये लोन सिर्फ उन्हीं कंपनीज को दिया जाता है जो कि ऑलरेडी जिन्होंने की वेंचर कैपिटल ली होती है, ठीक है। और यहाँ पे ये किसी प्रकार की इक्विटी नहीं देते हैं, यहाँ पे ये जो लोन लिया जाता है उसका इंटरेस्ट पे करते हैं बाकायदा। और तो ये एक तरीके से देखा जाए तो ज़्यादा सुरक्षित हो जाता है इक्विटी देने से। तो इस तरीके से भी मार्केट में फंडिंग रेज होती है। इसके बाद जो छठा तरीका है वो है हमारा बैंक लोन। आप कॉमर्शियल बैंक से भी लोन ले सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि वो पूरे के पूरे जो पेपर्स वगैरह हैं पूरे चेक करते हैं, वो आपकी एबिलिटी चेक करते हैं, जो भी उन्होंने क्राइटेरिया सेट करे हैं कि भाई आप वापस बाद में जो लोन पे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ये तो नहीं कि आप लोन लेके चले ही जाओगे और फिर आप गए भी हो जाओगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं वो चेक करता है। अब यहाँ पे सातवां यहाँ पे जो आता है वो है हमारा क्राउड फंडिंग है। कई सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे कि आप लोग अपने आइडियाज़ रखते हो और क्राउड में मतलब कि कोई भी वहाँ पे आप लोगों को फंडिंग करता है। यहाँ पे वही लोग आपको फंडिंग करते हैं क्योंकि उनको आप तो जानते नहीं, जिनको कि आपके आइडिया के ऊपर बिलीव होता है। यहाँ से आप आसानी से पैसे भी रेज कर सकते हो, यहाँ पे पैसे तो रेज हो सकते हैं साथ साथ आपके प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट भी हो जाती है। यहाँ पे एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल कीटो है और विजबरी है जिन्होंने कि क्राउड फंडिंग के द्वारा अपना फंडिंग रेज थी। तो यही अब मैं बोलूंगा लगभग सात तरीके हैं जिनके की द्वारा आप अपने बिजनेस के लिए फंडिंग कर सकते हैं। बट मेरी मानिए शुरुआत में आप अपने पैसों से ही बूटस्ट्रैप करके ही चीजें करिए क्योंकि वहीं से चीजें शुरुआत होती है। और जब आप खुद कर रहे होते हो आपका पैसा लगा होता है तब जाके आपको उसका पेन पता चलता है भाई क्या हो रहा है। बाकी इसके अलावा भी कुछ फंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप नीचे लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।